हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है महादेव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्पिंग मोबाइल 99 में आप सभी का स्वागत है। आइए हम दिखाते हैं JioF 320B में नेटवर्क रनिंग हो रहा है। आपको तो हम दिखाएं नेटवर्क रनिंग हो रहा है तो इसमें डायरेक्ट प्रॉब्लम इसका IC ख़राब होता है। ये बिना गिरे ख़राब हुआ है, कस्टमर कहीं दिया हुआ था दूसरा शॉप में, वहाँ नहीं हुआ तो फिर लेके आया, लेके आने के बाद IC में हीट करा हुआ है। आपको हम दिखाते हैं करके, ध्यान से देखिए मेरे वीडियो को। देखिए इसी सेट से सैमसंग जियो फोन में जो IC लगा हुआ है लगभग सेट में आपको मिल जाएगा। आप मिला के देख लें IC नंबर, हम तो मिला के देख लिया, कैमरा में तो दिख नहीं पा रहा होगा, हम क्षमा मांगते हैं नहीं दिखा पा रहे हैं IC मॉडल। आप मिला के देख लें। IC लगाने से पहले IC में हल्का सा पेस्ट लगाएं। पेस्ट लगाने के बाद आराम से खोलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहें तभी आपको IC लगाने का सारा प्रोसेस सबको समझ में आएगा कि नेटवर्क IC किस तरह लगाया जाता है। ब्लोअर से इसको हीट करें, हीट करने के बाद पहले इसको हीट होने दें अच्छा से, तभी ये रिमूव होगा। हीट होगा तो आसानी होगा, प्रिंट नहीं कबड़ेगा, नहीं तो प्रिंट बहुत जल्दी कबड़ जाएगा तो फिर और बनेगा ही नहीं। देखिए कबड़ गया। उबारने के बाद इसको पहले वॉश करें। देखिए हम वॉश कर रहे हैं, आप भी वॉश करें। पूरा साफ क्लीन हो गया, आप देख सकते हैं क्लीन दिख रहा है पॉइंट सब। उसके बाद से IC लगाने के अलग से एक पेस्ट आता है, उसको पेस्ट लगाएं, सोल्डिंग आयरन से हल्का हल्का उसमें चलाएं। देखें मेरे वीडियो को लास्ट तक तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह लगाया जाता है। पूरा प्रोसेस इसमें आपको हम दिखाए हैं। लास्ट तक बने रहें। ये पेस्ट लगा लिए। पेस्ट लगाने के बाद से आयरन से हल्का हल्का चलाएं उसको, आयरन को फ्रेश कर ले ताकि शॉर्ट ना करें। इसको वॉश करें, हो गया काम। वॉश करने के बाद ही आपको पॉइंट पता चलेगा कि सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह IC लगाया जाता है। ये फ्रेश हो गया है, फिर पेस्ट को लगा लें और फिर से सोल्डिंग आयरन से एक बार साफ करें। अब इस तरह से करें एक बार में नेटवर्क रनिंग प्रॉब्लम जो आता है जियो फोन में एक बार में ही सही हो जाएगा आपका। अगर आपके पास IC नहीं है तो कोई भी जियो फोन से निकालें और लगाएं, IC नंबर मैच करा लें। ध्यान रहे कि जिस साइड से IC को खोलें उसी साइड फिर आपको सेट करना है। देखिए पूरा क्लीन हो रहा है, हो गया है और आप देख पा रहे होंगे मेरे वीडियो में कि पूरा क्लीन वॉश हो गया। अब IC को निकालते हैं। ये सैमसंग का सेट है सैमसंग J3 और इसका IC जियो फोन में लगाते हैं और लगा के आपको हम दिखाते हैं कि नेटवर्क आता है कि नहीं आता है। ध्यान से देखें, ब्लोअर से उसको निकाल लें।
आईसी निकल गया। आईसी को भी आप एक बार पेस्ट लगा के इसको पहले वाश कर लें, उसके बाद इसमें पेस्ट लगा के ब्लोवर से इसको हीट मारे हल्का सा, तो उसका पॉइंट सब अपने सही हो जाएगा। अब सही से याद रखना ज़रूरी है कि जो साइड से हम खोले हैं उसी साइड से आपको लगाना पड़ेगा, तो बोर्ड शॉर्ट भी हो सकता है, फिर चालू नहीं होगा सेट। अब फिर से आप सेट करें, देखिए आपसे आपको हम सेट करके दिखा दिए और नेटवर्क आता है कि नहीं आपको हम चेक करके बताते हैं। मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए इसमें नेटवर्क आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।